पहाड़ों पे अक्सर ऐसा होता रहता है, रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि चट्टान ऊपर से गिर गई तो रास्ता बंद हो गया है। हाय फ्रेंड्स, मैं 5 केदार में से एक केदार कल्पेश्वर जा रहा था। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ऑफ रोड थी, पर जैसे तैसे मैं चलाया। उसके बाद भी यहाँ मुझे एक जगह रास्ता बिल्कुल बंद ही मिला है, तो मैंने बाइक यहाँ पे रख दी है। आप आगे देख सकते हैं, रास्ता है नहीं ये, तो अब मुझे यहाँ से आगे जैसे तैसे कूद पार के यहाँ से जाना पड़ेगा। और मंदिर यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, वहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो मैं जाता हूँ, देखते हैं। जय भोलेनाथ। मैं हूँ कल्पेश्वर मंदिर के रास्ते में। पीछे रास्ता बंद था तो पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ रही है 3 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल में कच्चा रास्ता है। खैर, ऐसे कच्चे रास्ते पे चलने का मुझे थोड़ा सा अनुभव पहले से ही है। मैं हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर गया था, तो अनुभव है, उसका फायदा उठा रहा हूँ। पर आगे मैं देख पा रहा हूँ कि और भी खतरनाक रास्ता है। चलिए मिलते हैं आपसे कल्पेश्वर मंदिर पर। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव रे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव रे महेश्वरा। कल्पेश्वर महादेव जिनके दर्शन करने में अपने घर से इतना दूर तकरीबन 1000 किलोमीटर आया। काफी अच्छा मंदिर है। जय भोलेनाथ। आप भी आइए, किसी बच्ची को ये गुफा है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ। ये पूरी जो ये है एक भगवान शंकर की जटा है, कल्पेश्वर, जो कि पंच केदार में 5वें स्थान पे है। यहाँ पर भगवान शंकर की जटाओं की पूजा होती है। ये देखिए, जटाओं से पानी बहता है और ये यही पानी भगवान शंकर पे चढ़ता है। मैं और आपको दिखाता हूँ और आगे क्या है। आगे वैसे कुछ है तो नहीं, बढ़िया नजारा हो। ये कल्पेश्वर महादेव अक्सर लोग जानते नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं, पांडवों द्वारा 5 मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर मंदिर है। तो उस
का ये पांचवा जो मंदिर है वो यही है, मध महेश्वर सॉरी कल्पेश्वर, इसके मैंने आपको दर्शन कराए। ये रास्ता कहीं जंगल में जाता है तो यहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। बोलो भगवान शंकर की जय। ये रास्ता है कल्पेश्वर की, आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में खाई है और यहाँ कोई रोड नहीं है, टोटल ऑफ रोड है। और जो मैं ढलान पर हूँ अभी आपको शायद फोन में समझ में नहीं आ रहा होगा, और ये बहुत ही ऊंची ढलान है जो मुझे दोनों ब्रेक और गियर से मेरे को गाड़ी स्लो करके उतारनी पड़ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आए तो अपने दिल को पूरा ताकत दे के आए कि आप आओगे चढ़ पाओगे। एक गलती अगर आपसे हुई तो आप सीधे खाई में जाएंगे आपकी गाड़ी के साथ। तो प्लीज आए और आनंद लीजिए ऑफ रोड ट्रैकिंग का, इसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो मेरी बजाज एवेंजर 220 ऑफ रोड के लिए नहीं होती, ऑफ रोड के लिए हिमालयन बाइक होती है, पर फिर भी एक बाइक मेरा साथ दे रही है, बजाज एवेंजर 220 स्पीड। पहले तेरा वास था ये जग रहे आना रहे, रहेगी तेरी आस था। जो ऑफ रोड के दीवाने हैं यहाँ है और अपना हुनर दिखाए, दोनों में तेरी महानता महानता। काफी दूर तक है, काफी दूर तक है, लगभग 5 किलोमीटर ऐसे ही ऑफ रोड में मैं चला के आया और वापिस आ रहा हूँ। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा भोले नाथ शंकरा तेरे नो नाथ शंकरा शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोले नाथ शंकरा सुब्रदेव हे महेश्वरा। आसान नहीं है, यहाँ पे ढलान है, बहुत तीखी ढलान है। यदि आपके हाथ से 2 सेकंड को भी ब्रेक छूटे तो आप दुनिया से रूठे, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये अपने होश में रहिए और दोनों ब्रेक्स का यूज कीजिए और साथ में गियर का भी यूज कीजिए गाड़ी स्लो करने के लिए। गियर से भी गाड़ी स्लो जाती है, बाइकर्स जानते हैं सब। बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं है। पहले तेरा वास था ये जग रहे आना रहे, रहेगी तेरी आस था। पूरे रास्ते में पत्थर पत्थर है, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकर, आपने देखा कि तू बसा है उस गाड़ी निकल पाई इतनी रास्ता और खाई है। जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, बस पहाड़ पहाड़ से गिरता हुआ पानी और क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका जहाँ पे नाम है आप तेरा।
अपने आप रखी आएगी। हम बिल्कुल भी कोशिश ना करें ज़्यादा स्पीड देने की। भगवान का नाम लीजिए और अपने यकीन रखिए। आप देख रहे हैं ये पत्थर डले हैं, मैं यहाँ सवेरे गिरते गिरते बचा हूँ। ये इन्हीं पत्थरों से मैं बस गिरते गिरते बचा हूँ। मेरी गाड़ी फंस गई थी यहाँ पत्थरों के बीच में और मैं कुछ नहीं कह सकता था, सिर्फ खड़ा रह गया था पैरों के बल। ना बाइक आगे जा पा रही थी ना पीछे हो पा रही थी। अरे आगे कुछ यहाँ से बच पाया। पशुपति का मंदिर है, उसको अपन धन्यवाद देंगे। आपने हमारी यात्रा मंगलमय की। जय बजरंगबली महाराज।